इस आपका भाई जस्ट अभी उठा, ये दोनों रूम साफ कर रहा और एसी चला हुआ, और आपके भाई को बुखार भी वो हुआ, ठीक है। और टाइम हो गया भाई अपना। सो गाइस, ये अपना क्या कहते हैं, हमने भैया को बोला बेडशीट्स वगैरह हमारी चेंज कर दो, और अब हम सीधा यहाँ से चल रहे गुरुद्वारे तरन तारण साहब मत्था टेकने। बाकी भाई आपका भाई तो हो चुका है रेडी, और आपके भाई को फीवर आप आंखें देख ही सकते हो अपने भाई की। बाकी अब क्या ही बोले, बाकी ये सामने बैठ के जूते पहन रहा है। बाकी अब चलते हैं, और भाई हम आ चुके हैं गाड़ी में, ठीक है। और भाई पीछे सामान वगैरह रख रहा भाई, और बाकी भाई मेरी यही हालत ख़राब हुई है, तबीयत ख़राब है थोड़ी, क्योंकि और गोलियाँ वगैरह मेरे को कुल पीत नहीं दी थी, कह रहा खा ले। बाकी ये दोनों ना पीछे सामान रख रहे हैं गाड़ी में, या पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो अब क्या ही बोले। बाकी मेरे को 103-104 फीवर था जब मैंने चेक किया था। बाकी कोई नहीं, अब मैं सीधा गुरुद्वारे चलूँगा, या से फिर आके सोऊँगा। अब बाकी चलते हैं यार, और गाड़ी कितनी गंदी हुई, गाड़ी भी साफ़ करानी है। तो भाई हम आगे पहले अपना ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम यहाँ पे आए हैं अपना काना स्वीट्स पे। ये ना फेमस फूड ही मिलते हैं देसी घी वाले, तो बाकी अंदर चलते हैं। तो भाई सामने बैठा हुआ है भाई, ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है, बाकी कोई नहीं। ये साथ में बच्चे बैठे हुए, ये भी खा रहे हैं पूड़ी। तो भाई ये आ चुकी है हमारी पूड़ी, अब हम ये खा रहे हैं। ये सामने पी रहे हैं सरप्राइज, ये सामने मैंने एक पूड़ी छोड़ दी। बाकी अब गाड़ी चल रही है, अब सीधे यहाँ से जा रहा है तरन तारण, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। बाकी अब कोई नहीं, कुलप्रीत गाड़ी चला रहा है, दिलप्रीत आगे बैठा, मैं पीछे बैठा हूँ। बाकी भाई आप बाहर के यहाँ का मौसम देख सकते हो कैसा है, गर्मी है बट रात को ठंड हो जाती है। और भाई आपका भाई पीछे आराम से कंफर्टेबल सीट पर बैठा हुआ देख रहे हो, क्योंकि मेरी हालत ख़राब है ना, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। अब सोच रहा हूँ कि लेट जाऊँ, और मैंने ये परना ले लिया कि अगर मेरा ज़्यादा सर दर्द हुआ तो मैं परना बांधूँगा। बाकी खैर कोई नहीं, अब सीधे यहाँ से चल रहे गुरुद्वारे। तो भाई पहले ना हमें पेट्रोल भी डलवाना था गाड़ी में, तो हमने 1000 का टॉप अप मरवा दिया। बाकी जब दिल्ली के लिए निकलेंगे तो बाकी हम पेट्रोल तब डलवा लेंगे। तो बाकी गैस कोई नहीं, अब सीधे ऐसे चलते हैं। तो ये देखो, ये बाबा जी का एक गुरुद्वारा है, बाबा दीप सिंह जी का। तो बस यहाँ पे रुक के हम ना मत्था वगैरह टेकते हैं, क्योंकि कुलप्रीत कह रहे हैं आके गुरुद्वारे में हमें मत्था टेकना चाहिए। एक्चुअली ना रास्ता गुरुद्वारा रोड पर ही है। तो बाकी खैर कोई नहीं, अब हम यहाँ पर भी मत्था टेकते हैं, फिर सीधा चलते हैं। सो गाइस, ये हम आ चुके हैं तरन तारण साहिब गुरुद्वारे। ये तरन तारण साहिब की मार्केट है कुछ ऐसा, यहाँ पे नज़ारा वगैरह दिखता है। नज़ारा इन द सेंस कि यहाँ पे मतलब संगत का क्राउड है, तो बाकी क्राउड भी क्या है, संगत की सेवा है यहाँ पे। और भाई अमृतसर ना पंजाब में भाई क्या ही बताएं, बहुत गरीबी भी है। तो गाइस दर्शन कर लो गुरुद्वारा श्री गुरु तरन तारण साहिब। बाकी भाई ये बाबा जी का सरोवर है, 221 फुट गहरा है जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी खैर कोई नहीं, अभी जब मैं गूगल करूँगा तब देखूँगा। तो बाकी आप देख ही सकते हो गुरुद्वारा भाई कितनी संगत है यहाँ पे, और भाई कितना लंबा गुरुद्वारा है। और हम यहाँ पे चल रहे हैं, और भाई ऊपर से एक धूप टैनिंग आ रही है भाई, देख रहे हो। यहाँ पे आधे बंदे स्नान भी कर रहे हैं, बाकी हमने अभी स्नान किया नहीं, हम करेंगे अपना दरबार साहब में स्नान। बाकी का इस कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से सीधा गुरुद्वारे अंदर मत्था टेकने। तो ऐसा कुछ भाई बाबा जी का गुरुद्वारा दिखता है। अब खैर हम प्रसाद वगैरह करा लेते हैं पहले चल के, तो बाकी कोई नहीं, कड़ा प्रसाद वगैरह भी कराते हैं, चलते हैं सीधा। और भाई फिर सीधा यहाँ से चलेंगे लंगर हॉल, लंगर हॉल में एक भी प्रसाद चाहिए, बाकी प्रसाद कराते हैं यहाँ से, सीधा चलते हैं भाई। संगत जी ऐसा कुछ अंतर का गुरुद्वारा आप देख सकते हो, संगत इतनी कि मतलब नहीं देख पा रहे सही से। बाकी ये देख सकते हो आप कितना प्यारा बाबा जी का सरोवर साहब है। और भाई गुरुद्वारे के पीछे से लुक ऐसी है, मतलब पीछे का पोर्शन बाबा जी का ऐसा आप देख सकते हो, देख रहे हो। ये आपके भाई ने थोड़ी सी एक रील बनाई थी जहाँ पे मैं सरोवर साहब के किनारे बैठा हुआ था, तो मैंने वो भी ऐड कर दी व्लॉग के अंदर। मैं कब क्या ही करूँगा भाई, इसको भी डिलीट करके थोड़ी ये भी ऐड कर देते हैं हम। बाकी आपका भाई अरदास कर रहा था कि बाबा जी बस कृपा बनाए रखो अपनी। अब हम आ चुके हैं लंगर हॉल के अंदर, लंगर खा रहे हैं, सामने संगत भी लंगर चक्री है, छोले की सब्जी है बाबा जी की कृपा से, साथ में प्रसादा। तो भाई अब हम ना आके रुक चुके थे गाड़ी साफ करवाने के लिए, तो भैया अभी क्या कहते हैं सामने आ रहे हैं। एक्चुअली ना वो सोडा भी पिलाते हैं साथ में, तो कह रहे थे कोई नहीं पाजी 10-15 मिनट लगेंगे अभी आप बैठो, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो भाई कुछ ऐसा यहाँ का व्यू पॉइंट है, बाकी गाड़ी साफ करवाते हैं, बड़ी गंदी भी होगी थी ना इस करके। सो भाई सब गाड़ी साफ करवाते हैं और हम बैठते हैं अंदर। तो भाई ये भैया बाहर से फुवारा मार रहा पानी का, बाकी ये बैठा हुआ अंदर। और बाकी थोड़ी मेरे को खांसी भी आ गई थी,
तो बाकी ये भाई हमारे गाड़ी धो रहे हैं, जो कार वॉशर वाले भैया। बाकी अब सीधा गाड़ी धुलवा दी, अब हम आगे हीरा पीने वाले थे। ये यहाँ का ना फेमस है, यहाँ पे हम पियेंगे बैठ के चाय और खाएंगे पकौड़े। एक्चुअली बहुत फेमस है यार ये, थोड़ा यूट्यूब करके भी फेमस है और मानते हैं इससे सारे आके ना फोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी है। खैर हमें क्या, बाकी यार ये देखो यहाँ पे सारी पब्लिक का रिएक्शन भी देख सकते हो, ये हीरा पनीर वाला। बाकी बहुत स्वाइप है इसका, वो है कुलप्रीत सामने बैठा हुआ है, दिलप्रीत मेरे ये राइट साइड में बैठा हुआ है। बाकी हमने चाय और पकौड़े वगैरह ऑर्डर किए हैं, बाकी देखते हैं कब देगा। तो भाई ये आगे चाय पकौड़े वगैरह सब खा लिए हमने, और खा के हमारा सीन ऐसे ही दिखता है, आपको पता है। बाकी अब हम आगे रूम के अंदर, अब आपका भाई थोड़ा आराम करेगा और ये दोनों बैठ के इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देख रहे हैं थोड़ी। बाकी खैर कोई नहीं, अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा, फिर उसके बाद नीचे उतर के ना गर्म गर्म दूध पीने जाऊँगा। बाकी गाइस ये देखो मैं बता रहा था कि मैंने गर्म दूध पीना है, तो हम आगे दूध पीने। यहाँ का भाई बहुत अच्छा दूध है, केसर दूध वाला, 70 रुपये का गिलास है, और भाई बहुत सही दूध है, बहुत सही। बाकी खैर कोई नहीं, ये दिलप्रीत सामने चल रहा है और हम दूध वगैरह पी रहे हैं, हमने दूध हाथ में ले लिया। बाकी गाइस हम ना टीवी पे गाने वगैरह सुन रहे हैं, 2 दिन से तो हमने टीवी चलाया नहीं था, तो हमने कहा जाते जाते थोड़ा टीवी का इंजॉयमेंट तो ले लें, तो मैंने पप्पू मान का सॉन्ग लगा लिया। बाकी गाना चल रहा है आराम से, और मैं आपका भाई रिकॉर्डिंग भी कर रहा है साथ में। बाकी थोड़े एक्शंस भी हम कर रहे हैं, क्योंकि ये गाने ने ना मेरा दिल छू लिया, दिस सॉन्ग टचेस माय हार्ट। बाकी खैर कोई नहीं, बब्बू मान भी भाई अपने टाइम में अच्छा सिंगर था गया, अभी भी है यार, कहता हूँ ना मेरी टंग फंबल मार जाती है कभी भी। तो बाकी कोई नहीं, मुँह तो कोरा वरदा कोई आशिक थड़दा। तो भाई हम ना अब सिद्धू मूसेवाले की पिक्चर देख रहे हैं, ये आगे बैठ गए सामने, कुलप्रीत आ गया, कह रहा चल गया टीवी। अब एक दो भाई खा के भी देगा, उसको इग्नोर करना। बाकी चलो कोई नहीं, अब चलते हैं सीधा। और गाइस तो भाई आपका भाई हो चुका है रेडी एकदम, कुर्ता शुर्ता पहन के, साथ में टर्बन बांध लिया। पीछे दिलप्रीत देख रहा क्या कर रही है, ये देखो ये सड़ा हुआ बूथा ऐसे बैठा हुआ है, वीर जी देख रहे कुर्ता टाइट तो नहीं है इनका। तो बाकी यार अब रात के बज रहे हैं 2 और हम निकल गए हैं, गाड़ी देख लो कितनी साफ लग रही है स्नान करने। तो बाकी अब हम चलते हैं सीधा स्नान करते हैं। और भाई आपका भाई का थोड़ा सा फीवर उतरा, मैंने कहा भाई नहीं अब कल हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा मस्त हो रहा है। मैंने बीएड खोल दी थी यार, क्योंकि ना मेरा स्प्रे ख़त्म हो गया था बीएड वाला। बाकी खैर कोई नहीं, अब मत्था देखते हैं सीधा, तो फिर चलते हैं यहाँ से। बाकी भाई रात को भी आपकी संगत जागी होती है। तो गाइस ये देखो ये थोड़ी मार्केट है रात की, यहाँ से ये ना सुबह तक खुली होती है, 24 घंटे ये मार्केट खुली रहती है। बाकी खैर कोई नहीं, बाबा जी रिक्शे से हमें मार मत देना। तो भाई मेरा मन कर रहा थोड़ा अंबरसरी कुलचा वगैरह खाऊं, बड़ा बम गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं, तो पहले ना हमें स्नान करना है। भाई ये देख लो संगत की लाइन कितनी है, आपका भाई कब खोलो बाबा जी अंदर बुलाने मत्था टेकने। भाई ये देखो मैं 2 बजे का लगा हूँ लाइन में, और भाई अभी तक आपके भाई का नंबर नहीं आया, तो बाकी देखो कब नंबर आता है, 3 घंटे हो गए। तो भाई आपका भी मत्था वगैरह टेक के आ चुका है, कुलप्रीत उलप्रीत तो भी अंदर उनका फ़ोन किया, तो कह रहे 1-2 घंटे लगेंगे। मैं यहाँ पे आराम से बैठ के बाबा जी के दर्शन कर लिए और बाबा जी को थोड़ा याद कर लूँ, बाकी कोई। तो भाई आपका भाई जस्ट अभी उठा था नींद में, क्योंकि हमें 12 बजे रूम चेकआउट करना था, तो मैं नींद में ही था, मैंने कहा चलो कोई नहीं अब हम सीधा यहाँ से रूम भी चेकआउट करते हैं, नीचे थोड़ा बिल वगैरह पे करते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह का बैग वगैरह आपके भाई ने पैक वगैरह सब कर लिया, ठीक है। मुंह पे आपका भाई हाथ दे रहा है, और भाई ये देखो आज होली है, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। बाकी इधर की साइड अमृतसर में ना होली नहीं मनाते, पता नहीं क्यों। बाकी खैर कोई नहीं, तो भाई आपका भाई आ चुका है लिफ्ट के अंदर, बैग वगैरह आपका भाई के हाथ के अंदर है, अब सीधा नीचे चल रहे हैं, गाड़ी के अंदर सामान रखते हैं, सीधा ऐसे निकलते हैं टपम टप। तो भाई अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, पूरा पानी पी रहा हूँ कला तक पूरा, तो बाकी खैर कोई नहीं, कुलप्रीत गाड़ी से लग रहा है कितने का जो दिक्कत है, संगत की तरफ से अंदर वर्त रहे आपके सामने थोड़ा। तो भाई आपका भाई आराम चलाते ऊपर करके बैठा हुआ है, कुलप्रीत गाने चला रहा है, साथ में थोड़ा थोड़ा हम फन भी कर रहे हैं।
बाकी नींद में भी आता भाई, तो मैंने कहा भाई मैं रात रख के आराम से सो ही जाता हूँ उससे बढ़िया। बाकी भाई गाड़ी आराम से चल रही है, उसके 20 की स्पीड पर एवरेज निकालते हुए, और बाकी अच्छा ही बताए यार चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो भाई हमें लग गई थी भूख, हमने गाड़ी लगाई साइड में, अब हम अंदर चल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा रोटी भोजन वगैरह करने। बाकी आपको भाई की तो पूरी भाई बॉडी अकड़ वगैरह गई है। बाकी मैंने कुलप्रीत को बोला कि चले यार चाय वगैरह थोड़ा खाते हैं, थोड़ी नींद वगैरह तो खुलेगी, तो वो भी कह रहा चल भाई ठीक है कोई नहीं चलते हैं। तो बाकी गाड़ी हमने लगा दी है सामने, ये आटका के लोग देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बाकी भाई अंदर में थोड़ी यार ये पब्लिक कम है यार, ज़्यादा मतलब बंदे नहीं थे। तो भाई हम ना आ रहे थे तो हमें एक दिखी नहर, भाई देख रहे हो कितनी सही नहर लग रही है ये। बाकी हमने कहा थोड़ा मजा लें, फ़ोटोज़ और रील्स वगैरह बनाएं, तो भाई मनवा ली हमने, ये दोनों यहाँ पे रील फ़ोटो खींच रहे हैं, कह रहे मेरी खींच मेरी खींच। बाकी खैर कोई नहीं, कितना प्यारा लग रहा है, कहते हैं ना अमृतसर भाई पंजाब हमारा पिंड है। बाकी भाई देख रहे हो एकदम नीला पानी, नीला पानी, कुछ डक्स वगैरह भी इसके अंदर है। बाकी अब कोई नहीं, गाने चल रहे हैं और हमें ना थोड़ा बर्गर की दिल गया था, हमने कहा बर्गर खाना था। बाकी दिलप्रीत ने गल डाल दी रॉन्ग साइड, एकदम बर्गर पे आ गया, थोड़ा बर्गर वगैरह खाते और बनिस्टा से कोल्ड कॉफ़ी वगैरह उठा लेंगे। तो भाई हम टोल प्लाजा पार कर रहे हैं दिल्ली का लास्ट, यहाँ से दिल्ली रह गई हमारी 15 मिनट। तो भाई चलो करते हैं इस ब्लॉग के आप एंड, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में घर पहुँच के। तिल दिन पीस, बड़ी जोर की आ रही है अब नींद, बाय बाय, हैप्पी।